हेलो भाई लोग, तो कैसे हो यार तुम सब? आई थिंक सबके सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीपीयू पे लगने वाले कूलर्स की। आप कौन सा कूलर यूज करते हो? जैसे कि मेरे सामने है ये स्टॉक कूलर और दूसरा ये टावर वाला कूलर, देख सकते हो। इसमें दो फैन लगते हैं फिलहाल, है वो फैन यार उधर पड़े हुए हैं तो इसमें लग नहीं रहे हैं। या फिर हम बात करें इस लिक्विड कूलर की। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं ना, बात तो इसी की करनी है, तो पहले बात कर लेते हैं इस स्टॉक कूलर की। तो ये मेरे को राइजन 3700X के साथ मिला था और इसको कम मत समझना, ये कूलर ये भी बहुत मस्त है, ये तुम्हारे सीपीयू को बहुत अच्छी तरह कूल करता है। तो यार ये किसी से कम नहीं है। लोग मना करते हैं कि स्टॉक कूलर मत लगाओ, ये वो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानता। देखो मेरा कुछ अलग थिंकिंग है, ये बहुत अच्छा काम करा बस तब तक जब तक ठंडी रही, ठीक। ये तुम्हारा गड़बड़ हो गया जब मई का महीना चालू होने लगा, तो क्या होता है ना उसमें गर्म हवा, मेरे रूम में एसी उसी नहीं है यार, तो समझ रहे हो ठंड में तो बहुत मस्त चला था, कोई दिक्कत नहीं आई थी, किसी भी तरह का एक चू भी नहीं करा था। अगर तुम्हारे घर में एसी नहीं है तो फिर तो समझ जाओ कि ये गर्मी के सीजन में तुमको भी दिक्कत देने वाला है। तो क्या होने लगा, इससे सीपीयू का टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो मेरे को ये बदलना पड़ा। पर वो वाकई में ये काम बहुत अच्छा करता है, ये बुरा भी नहीं है अगर तुम्हारे सीपीयू के साथ अगर ये स्टॉक कूलर मिलता है तो। फिर मैंने क्या करा कि जब ये नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, थोड़े से बढ़िया लगा लेते हैं। अब पैसे उससे तो उतने थे नहीं क्योंकि यार महंगे मिलते हैं लिक्विड कूलर, तो मैंने क्या करा फिर मैंने ले लिया ये, ठीक है। मतलब लिया नहीं था, ये तो मेरे पास पहले से था क्योंकि मेरे पास जो पुरानी पीसी थी उसमें ऑलरेडी मैंने ये पहले से लगा रखा था, पर ये मैंने रखा हुआ था। तो फिर इसके बाद मैंने इसको लगाया, तो ये भी समझ लो मतलब ये भाई एकदम अलग लेवल वाली थिंकिंग, मतलब वो चीज़ है अलग एकदम। वो तुम्हारा जैसे गर्मी में फेल हो गया, पर ये तो भाई मतलब इसमें दो दो फैन लगता है और तुम्हारे सीपीयू को बहुत अच्छे से ठंडा करता है। बस इसके साथ सीन ये हो गया कि मेरे पीसी में जो है कैबिनेट ना वो नया लगा, ठीक। मैंने कैबिनेट भी बदल दिया और ये यार ऊंचा होने की वजह से ना ये वाली लेंथ भाई इसके वजह से हो गई दिक्कत। मेरे फ्रंट पे इधर साइड में जो लगा है वो लगा है मिरर डोर, अब भाई उसके वजह से दिक्कत हो गई, ये क्या करता था बीच में आ जाता था, जिसके वजह से मुझे ये बदलना पड़ा। पर इसको तुम बिल्कुल बुरा नहीं कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है लिक्विड कूलर लगाने के लिए तो भाई इसको लगाओ, ड्यूल फैन के साथ आता है, एकदम मस्त चलता है, बहुत अच्छा तुम्हारा मतलब ये सीपीयू को ठंडा करेगा, तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब फिर बात कर लेते हैं इसकी, एक्चुअल में ये डब्बा है बस, कूलर तो उसमें लगा हुआ है पीसी में तो कोई बात नहीं है। फिर मैंने ये लिया ये लिक्विड कूलर, एक्चुअल में उसको रिप्लेस करने के बाद अब मेरे पास यही एक जरिया बचता था कि जो मैं ले सकता था। तो इसके साथ तुम्हारा एक आता है रेडिएटर, दो फैन मिलती हैं। हाँ ये आरजीबी नहीं है, ये नॉर्मल ब्लू लाइट ही एमिट करता है बस। तो इसका नाम है L240T और ये काफ़ी अच्छा काम करता है। मतलब जब हमने ये टावर कूलिंग ली थी ना, टावर कूलिंग के बाद इसकी कूलिंग यार मतलब इससे तो बहुत ही मतलब अच्छी निकली। मैं समझता था कि फ़िलहाल ये ठीक है, पर इसका तो यार ज़्यादा ही अच्छा निकला, मैंने सोचा भी नहीं था, ठीक है। और हाँ यही है कि बस आरजीबी नहीं है इसमें, एक आरजीबी वेरिएंट भी आता है, तो तुम्हें आरजीबी चाहिए तो यार तुम वो ले सकते हो जिस चीज़ के लिए, मतलब जैसे कि स्ट्रीमिंग के लिए तुम्हें मालूम है ना कि OBS के अंदर इनकोडिंग करनी पड़ती है GPU की, तो वो हम इन दोनों पे नहीं कर सकते थे, लेकिन लिक्विड कूलिंग के बाद मैं कर सकता हूँ, मैं उसको चाहूँ तो आराम से चला सकता हूँ। कि नहीं मैं क्या कहते हैं CPU से करूँगा स्ट्रीमिंग, ना कि GPU एक्सेलरेशन दूंगा, मैं CPU एक्सेलरेशन दूंगा भाई, इतना ठंडा कर देता था। और समझ ही रहे हो ओवरक्लॉक इजीली हो सकता है लिक्विड कूलिंग के थ्रू, तो लिक्विड कूलिंग लगाने का ये फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। लिक्विड कूलिंग लगाने के बाद भाई 50 डिग्री सेल्सियस, अब तुम सोच लो, और तुम अभी भी देख सकते हो मेरे को पसीना आ रहा है, मैं कितने गर्मी में हूँ, तुम सोच लो मेरे में कोई AC उसी नहीं लगा है, तो मैं बता रहा हूँ। लिक्विड कूलिंग के बाद भाई हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, वजह क्या है, इसका जो रेडिएटर है ना ये ऊपर की तरफ मैंने लगा रखा है,
अब इसके जो सामने के जो फैन लगे हुए हैं ना मेरे दो, वो पूरा अंदर ठंडा हवा लेते हैं, ठीक है, इजी। पीछे एक फैन लगा हुआ है जो कि हवा बाहर वो भी निकालता है एग्जॉस्ट के लिए। ऊपर दो फैन लगे हैं जो इसके साथ लगे हुए हैं रेडिएटर के साथ, वो भी बाहर की तरफ अपना हवा फेंक रहे हैं। मतलब अंदर गर्मी टिकनी नहीं है, कोई अब गर्म करने वाली चीज़ सिर्फ बची जीपीयू जो अंदर गर्म हो रही है, नहीं तो पहले इनके साथ और उसके साथ गर्म करने वाली दो चीज़ हो रही थी जिसके वजह से मुश्किलें बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही थी। पर अगर लिक्विड कूलर लगा देते हैं उसके बाद तो भाई वो दिक्कत हो जाती है ख़त्म, क्योंकि यार सब हवा फेंक रहे हैं बाहर निकल जा रहा है इजी, जो भी गर्मी है वो तुम्हारे कैबिनेट के है बाहर, बस जीपीयू जो है अंदर हीट हो रही है तो उसके लिए तुम्हारे फैंस बाकी हैं ही, इजी पीजी ठंडा हो जाता है। तो ये वजह है यार लिक्विड कूलिंग लगाने का। और सबसे बड़ी वजह ये भी रही कि लिक्विड कूलिंग मेरे को सस्ते में मिल रहा था तो मैंने ले लिया, नहीं तो भाई इसके रेट 7,000 मिलते थे, उस वक्त औकात नहीं थी इतनी कि ले सके, तो मैंने वेट किया यार सबका रेट वेट गिरे तो देखते हैं। अब तो लिक्विड कूलिंग रेट गिरने लगी है। तो बात करते हैं इसमें डुअल फैन लगाना चाहिए या सिंगल फैन। तो यार देखो तुम डुअल फैन भी लगा सकते हो, सिंगल फैन वाला भी लगा सकते हो, ट्रिपल वाला भी लगा सकते हो, बड़ा वाला भाई तुम्हारे पे डिपेंड करता है। बड़ा वाला लगाओगे तो यार समझ रहे हो ना वो उसके फ़ैन वगैरह बहुत धीरे चलेंगे, वो बहुत अच्छा ठंडा करेगा। तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे कैबिनेट में जगह कितना है, अगर तुम्हारे कैबिनेट में जगह अच्छी है तो उसके हिसाब से तुम जो चाहो वो लगवा लो। मेरे में तो ये डुअल वाला लग सकता था तो मैंने डुअल वाला लगवा लिया, क्योंकि ट्रिपल वाले के लिए मेरे कैबिनेट में जगह नहीं है। और रहा सिंगल वाला, तो सिंगल वाला तुम्हारे कैबिनेट में अगर सिंगल ही स्पेस दिया है तो वो भी यूज कर सकते हो, उसके थोड़े जो फैंस के आरपीएम है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ओवरऑल मेरे इसके साथ ये फीलिंग थी, अगर तुम चाहो तो अगर ख़रीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसका और प्लस इसका भी लिंक दे दूँगा। और वो तीसरा वाला तो स्टॉक कूलर है यार, तो वो तो तुमको सीपीयू के साथ ही मिलता है, तो इन दोनों का तुम्हें लिंक दे दूंगा यार डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर तुम परचेस करना चाहो तो परचेस कर सकते हो कभी भी, क्योंकि जो लिंक मैं दूंगा उसका रेट चेंज नहीं होते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ यस अगर बाद में कभी रेट बढ़ जाता है मेरे वीडियो पे आना, मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाना फिर देखना वो रेट तुमको वही मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में यही बताना था तुम्हें कि लिक्विड कूलर इज़ बेस्ट, ओके, मतलब दोनों हैं लेकिन लिक्विड कूलर ज़्यादा बेस्ट है तुम्हारे लिए। तो चलो गाइस फिलहाल के लिए बस इतनी है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, और प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना वो मत छोड़ना, ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।